हेलो टीचर्स, गुड इवनिंग सर। प्राइमरी सेक्शन के टीचर के लिए स्कूल की वैकेंसी जो है बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो भी टीचर इंटरेस्टेड हैं मंडे को जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। सैलरी आपको 10 से लेकर 15 तक मिल जाएगी, बट आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छी होनी चाहिए तभी आपको सैलरी जो है 10 से लेकर 15 तक मिलेगी। अगर आप नए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। किसी भी स्कूल की सैलरी जो डिसाइड होती है वो टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर टू टीचर डिफर करती है। किसी भी विद्यालय में अगर 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, 10 टीचर की सैलरी एक जैसी नहीं होती है। जिनकी जैसी कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ टीचिंग, कन्विंसिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स जितनी अच्छी है उसी के बेसिस पर फी टीचर का डिसाइड होता है। तो आप 10 और 15 सोच कर जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पर मींस की सैलरी न के बराबर दिया जाए और आपको असिस्टेंट टीचर के तौर पे रख लिया जाए। तो ये चीज़ डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आपका सब आपकी सब चीज़ बहुत अच्छी है तो आपको सैलरी उससे ज़्यादा मिल सकती है। ये वैकेंसी है एक दानापुर इस एरिया में प्राइमरी सेक्शन के लिए। एक वैकेंसी आपको मैं बता दूँ, हमारे खुद के स्कूल में भी है, क्लास UKG क्लास के। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप आइएगा। अगर इसमें हमारे यहाँ फ्रेशर टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा विद्यालय जो है 0 माइल लोकेशन में है, कृष्णा निकेतन स्कूल के पास। जो भी टीचर इंटरेस्टेड हैं और किसी भी स्कूल में, आप खास करके मॉन्टेसरी ग्रुप के स्कूल में, प्राइमरी ग्रुप के स्कूल में 5 साल 6 साल काम कर लिए हैं, आपकी मैट्रिकुलेशन जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल से हुई है, तभी जाकर के आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह की चार्जेज नहीं देनी है। अदर स्कूल में ज्वाइन करने के लिए अगर आप हमारे माध्यम से ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेज पे करना है। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए, एक है बेउर में स्कूल, जहाँ पर फ्रेशर टीचर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सैलरी जो है थोड़ी कम है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी आपकी डिसाइड होगी, आप वहाँ पर जाएंगे और अपना इंटरव्यू देंगे, जो वहाँ के मैनेजमेंट है उनसे मिलेंगे। उसके बाद एक वैकेंसी और ऑफिस स्टाफ के लिए है, जहाँ पर आप स्कूल से रिलेटेड ऑफिस वर्क स्कूल में क्या होता है, अकाउंटेंट का जॉब प्लस में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो देख लेना, थोड़ा सा बच्चे होमवर्क करके लाए या नहीं लाए, टीचर आपको कंप्लेन करेंगे तो उस कंप्लेन को पेरेंट्स तक फॉरवर्ड करना, ये सब काम है स्कूल का, मैनेजमेंट का वर्क है और साथ साथ अकाउंटेंट का भी। छोटा स्कूल है तो इसलिए अलग अलग स्टाफ्स की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी टीचर अगर इसमें, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको दिए गए नंबर पर अपना रिज्यूम भेजना है और अपना डिटेल शेयर करना है। उसके लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डिटेल्स रिज्यूम हमें उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक अच्छी लगेगी तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। बाकी अपने बारे में जो भी डिटेल्स है उसको आप सारे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा लगता है कि सर व्हाट्सएप पर शेयर किए हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सो हम बात करना चाहते हैं, तो बात करने से अच्छा है कि आप हमसे एड्रेस लेकर के, 0 माइल लोकेशन में हम बैठे हुए हैं कृष्णा निकेतन स्कूल के पास, एरिया का नाम है जकरियापुर, आप ऑफिस का एड्रेस मांग लीजिएगा, ऑफिस में आके डायरेक्ट मीटिंग कर लीजिए। सुबह में 9 से लेकर 10 11 तक हम ऑफिस में 2 घंटा अदर टीचर से मिल सकते हैं। बाकी समय में हमारी क्लास भी रहती है, क्लास में भी रहते हैं और स्कूल के पेरेंट्स भी आते हैं, तो उस समय मिलना संभव नहीं है। तो इस 9, 10, 11 में आप आ करके आप हमसे मिल सकते हैं। और भी किसी भी तरह की वैकेंसी के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, सारी वैकेंसी उसी पर अपडेट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कॉल नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि कॉल सारा रिसीव करना संभव नहीं है सर। इतने सारे कॉल्स आते हैं कि टोटल कॉल रिसीव करना संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से दीजिए, हमें जो सही और गलत जो समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर देंगे। बाकी बातों के लिए धन्यवाद। जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, जो हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर उनमें से किन्हीं को प्रॉब्लम भी, उनमें किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि पुराने टीचर जो भी कॉल करते हैं तो उनका कॉल तुरंत रिसीव हो जाता है, तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। प्रॉब्लम होती है अननोन नंबर को रिसीव करने में, थोड़ा सा दिक्कत होता है सारे बातों को। तो आप लोग थोड़ा सा मैसेज किया कीजिए व्हाट्सएप पर, और आप लोग के साथ भी जुड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारा कुछ ऐसा मोटो है कि नहीं हम आपके कॉल को इग्नोर कर दें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है, एक लिमिटेशन होता है, अगर कोई काम लिमिट से ज़्यादा होने लगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन यथासंभव कोशिश करेंगे उसे भी सपोर्ट करने का। तो आप लोग तुरंत क्या करते हैं, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जितने भी टीचर्स हैं जो भी जाना चाहते हैं जहाँ कहीं भी पढ़ाने के लिए, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप